बहुत खूब। इतना तैयार हो कि तो कोई अपने प्रेमी से मिलने जा सकता है। आप तैयार नहीं हुए? हम क्या करेंगे वहां आके? कबाब में हड्डी बन के रह रहे हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? भाई जाहिर सी बात है, इतने वक्त बाद तुम अपने परिवार वालों से मिलने जा रही हो, यहाँ ससुराल की बातें होंगी, कुछ अच्छी कुछ बुरी, और अगर हम वहां होंगे तो अड़चन आ जाएगी ना। और वैसे भी हमें कुछ काम है जिसे निपटाना है। बेहुदा मक्खी, हमारे बीच में आने की कोशिश कर रही थी, हमें तुमसे बात नहीं करने दे रही थी, मार दिया। खैर ये सब छोड़ो, पग फेरे के लिए देरी हो रही है, जाओ। ठहरो, ख्याल रखना अपना। अगर आज तुम सच में अपने प्रेमी से मिलने जा रही हो ना, तो आज ही आखिरी मुलाकात होगी। झूठ बोल के धोखा देने वालों को वीर प्रताप सिंह नहीं छोड़ता। ओए तू तो खुशकिस्मत है कि रणधीर तेरा इंतजार कर रहा है, तुझे बुला रहा है, से कब एक बार तो उसे मिल ले। पहली बार घर का दामाद घर आने वाला है, लेकिन पूरा का पूरा घर बिखरा पड़ा है। मेरे अलावा ना इस घर में किसी को पड़ी नहीं है इस घर। सरोज। हाँ। ये ले, समोसे और जलेबी लेके आया हूँ राम भैया की दुकान से, और इसमें 100 ग्राम काजू की बर्फी है, जितनी एक प्लेट में आ सके उतनी लेके आया। वाह जी वाह, हैं? ऐसी झूठ मूठ की शादी में जी पगफेरों की रस्म तो बड़ी शिद्दत से निभाई जा रही है। सुनो, अच्छे दिन पे ना अपने मुंह से बुरी बातें ना क्या करो। भाभी सही कह रहे हो आप, अच्छा दिन वीरे, एक बंदे को हम अपनी लाडली बहन ना जी बेच देते हैं, लेकिन अच्छा दिन बनता है जब हम उसको घर बुला के बर्फियां खिलाते हैं जी, तब बनता है ना भाभी अच्छा दिन। वीरे मुझे मालूम ही नहीं था। मैं तेरे को 25 बार सिखाया है कि भाभी से इज्जत से बात किया कर। ओ भाई मैं तो इज्जत देने की कोशिश कर रहा हूँ, जब अगले इज्जत लेने को तैयार नहीं है तो मैं क्या। अभी मैं तेरे को सिखाऊं इज्जत देने का तरीका? तो सिखा दो ना वीरे, मैं तो कब से कर। मैंने ये शादी इस घर की खुशियों के लिए की है, और यहाँ आप सब लोग आपस में ही लड़े जा रहे हैं। अमरू तू बेटा तुम बाहर क्यों खड़ी है? चल आजा अंदर, आजा, चल 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 आजा। तू ठीक है ना? तेरे घर परिवार में सब चंगा है ना? सब तुझे अच्छे से बात तो करते हैं ना? चल आजा अंदर, आजा। ना ही मुझे किसी सवाल का जवाब देना और ना ही मैंने अंदर आना, जब तक मेरे दोनों वीर जी एक दूसरे के गले नहीं मिल जाते। हाँ? नहीं ठीक है तो फिर मैं वापस जाती हूँ। अमरू नहीं नहीं रुक जाओ, मलम बटी चाची। हमें एक बात बताइए, आप नहीं जानती थी कि झुमके हमारी पत्नी को तकलीफ देंगे? हमने जानबूझ के किया ना, बताइए सच बताइए। हमारी आकांक्षाओं पे सवाल उठा रहे हैं आप? आप खुद तो ना राजगद्दी संभालने के लायक है ना राजघराने की परंपराओं को। हमें लगा था शायद हमारी बहू में वो क्षमता होगी,
लेकिन अफसोस आपकी तरह उसके भी इरादे कमजोर ही निकले। रानी माँ, आप शायद भूल रही हैं कि आप हमारे कमरे में हैं। चाची जान, जरा समझा दीजिए, आपकी कर्कश आवाज से हमारी पत्नी कहीं जाग ना जाए। डॉक्टर ने कहा है इन्हें आराम करने के लिए, इन्हें आराम की जरूरत है, तो आप कृपया करके हमें हमारे हाल पे छोड़ने की मेहरबानी कीजिए और जाइए अपना राजगद्दी संभालिए। चाची चलिए। संभल के ख्याल रखिएगा अपने पैर का। रात तुम्हारे जागने का इंतजार किया हमने। किससे मिलने गई थी आप? बताइए किससे मिलने गई थी आप, और सच सच बताना। वाह जनाब वाह, जहां सिर्फ महफिलें रचा करती थी आज वहां पे पढ़ाई का माहौल बना हुआ है। जनाब कहीं इस कोठे को आश्रम में बदलने का तो इरादा नहीं आपका? हाँ? आज तो बड़ा चमक रहे हो मास्टर जी, सचमुच पढ़ाने ही आए हो ना मास्टर जी? ऐसे चमक तो नहीं रहा जी, मैं बस है। आप वश्मा के साथ पढ़ती हैं? बताया नहीं उसने आपको? नहीं वो आप ये आप वाली स्टेशन पे गाड़ी क्यों अटक गई आपकी? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।